Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बीजेपी की विधायक रेणु देवी बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन रही एनडीए सरकार में इस बार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दो डिप्टी सीएम होंगे। नीतीश कुमार जहां जेडीयू की तरफ से सीएम की कुर्सी संभालेंगे तो वहीं बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी एक महिला और एक पुरुष को दी गई है। डिप्टी सीएम के लिए बीजेपी ने जहां पहला नाम कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद का नाम तय किया था तो वहीं दूसरा नाम रेणु देवी का है। रेणु देवी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आया है। दरअसल रेणु देवी का नाम भी दो दिन पहले से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। यूपी के बाद अब बिहार में भी ऐसा हो रहा है जब प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। बिहार का एनडीए सरकार में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। दोनों नेताओं का चयन सोमवार को ही भाजपा विधानमंडल दल के नेता और उपनेता के लिए हुआ था, जिसके बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई थी। बिहार में पहली बार महिला डिप्टी सीएम बन रही रेणु देवी बेतिया से संबंध रखती हैं और इस विधानसभा क्षेत्र का पांचवीं बार प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक चुनी गई हैं। रेणु देवी पहली बार साल 2000 में विधायक बनी थी। रेणु देवी 2005 और 2010 में भी विधायक बनी, लेकिन 2015 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2020 के चुनाव में पार्टी का विश्वास जीतने में सफल रही और बेतिया से विधायक चुनी गई। 62 साल की महिला को डिप्टी सीएम बनाए जाने के पीछे उनका लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है। दरअसल रेणु की मां भी संघ परिवार से जुड़ी थी, साथ ही उनके ननिहाल में भी बीजेपी और संघ का प्रभाव रहा है। रेणु देवी को पार्टी के महिला मोर्चा में विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां भी दी जा चुकी है। इससे पहले वह बिहार की नीतीश सरकार में 2005 में मंत्री का पद भी संभाल चुकी है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.